लोगों का जुड़ाव होना जरूरी है, इसीलिए हमने आप लोगों को आमंत्रित करके और इस मुहिम में जोड़ने का प्रयास किया है। आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए, उसके लिए मैं अपनी ओर से और युवा जागृति संस्थान की ओर से आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी प्रकार इस प्रकृति के संरक्षण के अभियान में आप लोग जुड़े रहें, अपने घर में भी जहाँ भी कोई थोड़ी बहुत जगह हो तो आप कम से कम एक दो पौधा हर साल जरूर लगाएं। और जिस तरह से आप अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हो, उसी प्रकार उस पेड़ को बढ़ाने की भी कामना करो, क्योंकि एक पेड़ अगर अपने घर में है तो ये मान के चले कि उसकी ऑक्सीजन, उसकी छाया, उन सब का उपयोग हम खुद करते हैं। अगर लगातार पौधे इसी प्रकार लगते रहे तो आप देख रहे होंगे कि बानसूर में भी जिस तरफ ज्यादा पेड़ है, पहाड़ है, वहां बरसात ज्यादा है, और जिस तरफ पौधों की संख्या कम है वहां अब की बार बरसात कम है। बरसात तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन ये कारण कम और ज्यादा का प्रकृति का एक संतुलन भी होता है। तो हम मिलकर इस संतुलन को बनाने में अपना योगदान दें और प्रकृति को संरक्षित करने में, विशेषकर हमने कोशिश किया बच्चियों को जोड़ने की, कि वो, क्योंकि महिला एक जिम्मेदार नागरिक होती है, वो अपने घर को, अपने परिवार को पूरा
लालन पालन करती है और अगर जिम्मेदारी वो पर्यावरण संरक्षण की ले ले तो निश्चित रूप से ये काम एक मुकाम तक पहुंच सकता है।